नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए जानते हैं मानसून की पिछले 24 घंटों के दौरान क्या गतिविधियां रही। आज 5 अगस्त 2021 को अगर आप सब डिविजनल मैप को अभी देखें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भाग है, इन भागों में और खासकर महाराष्ट्र के जो सटे हुए जो पूर्वी भाग है, इन जगहों को गाढ़े रंगों से दिखाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई, जा कह सकते हैं भारी से अत्यंत भारी बारिश इन पे दर्ज की गई है। और अगर हम महाराष्ट्र के या कह सकते पश्चिमी तटीय राज्यों के अगर हम यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर भी गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया है, अच्छी बारिश यहाँ पर भी दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की या पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर ये गाढ़े रंगों से दिखाया गया, यहाँ पर भी बारिश अच्छे रूप में दर्ज की गई है। और बाकी हल्के नीले रंगों से जिन जिन जगहों को, जिन राज्यों को दिखाया गया है, खासकर अगर मैं बोलूँ उत्तराखंड आपका और ये हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक की, इन जगहों पे भी बारिश हल्के से मध्यम दर्ज की गई है। अगर हम आज 8:30 बजे 5 अगस्त 2021 को हमारे वेधशाला में जो वर्षा दर्ज की गई उनकी अगर हम उनकी तरफ गौर करें, 7 सेंटीमीटर और उनसे ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं बारन डायमंड हार्बर में 14 सेंटीमीटर, बांका में 13 सेंटीमीटर, हरीन खोला गुना में 12 सेंटीमीटर, बानपुरा जौलीग्रान ऋषिकेश में 11 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, इंद्रगढ़ बकानी लाटपुरा नागरफोर्ट उनायरा में 10 सेंटीमीटर, विदिशा राधनगरी रायसन मनोहर थाना हरिद्वार में 9 सेंटीमीटर, उलूबेड़िया कांगड़ा हल्द्वानी कोलकाता दमदम में 8 सेंटीमीटर, दलाई दुर्गापुर मानतेश्वर लालगढ़ खरिद्वार सागर पिपालदा बंदाना अंटा अत्रु कोटा महाबलेश्वर में 7 सेंटीमीटर। अगर आप गौर करेंगे इन सारी जगहों पे ये हैवी रेन, जिसको भारी वर्षा इन जगहों पे दर्ज की गई है 5 अगस्त 2021 को। आते हैं संयुक्त परिस्थिति सिनॉप्टिक सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम चलेंगे हम उत्तरी दिशा में, जो एक पश्चिमी विक्षोभ जो एक सर्कुलेशन के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा और पूर्वी दिशा में जो वेस्टर्न हिमालय की ओर ये अग्रसर हुआ, अगर आप देख सकते हैं इसकी स्थिति ये रही। और उसके बाद एक जो हम पिछले कई दिनों से जो एक कम दबाव का क्षेत्र जो तो लो प्रेशर सिस्टम था, वो आप मध्य प्रदेश की इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये एक मध्य प्रदेश और उसके जुड़े राज्य खासकर हम बात करें उत्तर प्रदेश राजस्थान इन जगहों में प्रभावित करता हुआ यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम उत्तरी बंगाल की खाड़िया की बात करें, वहाँ पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है और ये मॉनसून ट्रफ की स्थिति भी आप इस तरह से आपको ये रेखांकित की गई है। तो हम कह सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम आपके मध्य प्रदेश में और एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और साथ में पश्चिमी विक्षोभ एक उत्तरी दिशा में बना हुआ है। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों को देखें तो आप इससे आप इनसे आप एक तरह से देख सकते हैं जिस जगह पे लो प्रेशर हम बता रहे हैं वहाँ पे बादलों का बहुत ही एक जमावड़ा यहाँ दिख रहा है आपको। और साथ ही साथ अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, इस जगह पे सर्कुलेशन बना हुआ, इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं जो पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य हैं ये इस सर्कुलेशन से प्रभावित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और जो पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का भाग है जिसमें एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, उसकी स्थिति भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे वेदर या एक तरह से मौसम की यहाँ पे मानसूनी वर्षा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। आइए चलते हैं मौसम की चेतावनी आने वाले 24 घंटे में। जैसा कि हमने देखा लो प्रेशर सिस्टम बना है तो अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये भाग ऑरेंज अलर्ट में है, हालांकि राजस्थान की अगर बात करें ये अब येलो में आ गया है। सो इस तरह से कह सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भाग है ये काफ़ी सक्रिय रहेगा यहाँ पे वर्षा यहाँ पे। और अगर हम बात करें बाकी जगह की जहाँ भारी वर्षा होने की जहाँ पे संभावना है उनकी बात करें, तो एक तरह से वो आ गया आपका उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड, ईस्ट राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, गैंगटिक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र की भी बात करें, घाट एरिया ऑफ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा। सो आप देख सकते हैं इन जगह पे आइसोलेटेड जगह में किस जगह पे आपके भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम थंडरस्टॉर्म और साथ में लाइटनिंग की बात करें, आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप जान रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी काफ़ी होती है। अगर हम देखें उस जगह से झारखंड, उड़ीसा, गैंगटिक वेस्ट बंगाल, असम,
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म और साथ में लाइटनिंग की चेतावनी है। अगर हम हवाओं की तीव्रता की बात करें 50 से 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर अगर उसकी गस्टिंग की बात करें, वो आपके वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ये जो भाग है इन भागों पर होने जा रहा है। और अगर हम स्क्वाली वेदर की बात करें जो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की होती है, वो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। तो मछुआरों को फिर से सलाह दी जाएगी इन जगह पे न जाए। आइए चलते आने वाले 5 दिनों के जो पूर्वानुमान होने जा रहे हैं मौसम की, उसके बारे में अगर हम देखें, जैसा कि हमने बताया पश्चिमी राज्य मध्य प्रदेश का एरिया लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसलिए अभी भी ऑरेंज अलर्ट में ये दिखाया जा रहा है और बाकी जगहों में येलो अलर्ट, जहाँ पे ये छिटपुट जगह पे मध्यम से औसत दर्ज है या एक तरह से छिटपुट जगह पे भारी वर्षा भी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे 6 तारीख और 7 तारीख धीरे धीरे ये थोड़ी सी इसमें कमी आई, अभी इसमें येलो में आ गया, और 8 और 9 को आप देखेंगे इसमें ग्रीन है। 8 और 9 में से किसी भी तरह की इसमें चेतावनी नहीं दिखाई जा रही। हालांकि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी आप पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं, इन जगहों पे बनी हुई है, जैसा कि ये 7 तारीख, ये हुई 8 तारीख, ये 9 तारीख। तो ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और छिटपुट जगह पे वर्षा की मध्यम से औसत से मध्यम दर्जे की वर्षा की यहाँ पे पूर्वानुमान एक तरह से हम देख सकते हैं। अपेक्षित प्रभाव की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि अभी जो 2 जगह हमारे लिए मुख्य रूप से अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ पे वर्षा हो रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश के उस इलाकों में लोकलाइज फ्लडिंग की संभावना हो सकती है, कच्चे रोड टूटने की संभावना हो सकती है, लोकलाइज आपके मडस्लाइड लैंडस्लाइड होने की संभावना बन सकती है। और इन जगहों पर अगर हम बोलें, चूँकि हैवी भारी से भारी वर्षा होने की चेतावनी है, सो दुर्दृश्यता है उसमें कमी आ सकती है। अगर हम कहें कि इसमें एक्शन क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारा वही रहेगा, हम जल भराव की जिस जगह पे होने जा रहा है उन जगहों पे ना जाएं, ट्रैफिक एडवाइजरीज को रूल को हम फॉलो करें, उन जगहों पे जाने से बचें जिन जगहों पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ जो कच्चे टूटे मरम्मत वाले मकानों से रहने से बचें।